अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कूल मेंटोर मोबाइल ऐप। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीचर्स स्कूल मेंटोर मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए किस तरह होमवर्क डायरीज असाइन कर सकते हैं। तो मैं एज ए टीचर लॉग्ड इन हूँ मिलफोर्ड साउंड स्कूल में। तो ये होमवर्क वाली टैब है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो देखें असाइन दी होमवर्क डायरीज। कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि टीचर्स नॉर्मली क्लास में, ख़ासकर छोटी क्लासों में, हर बच्चे की डायरी लेते हैं, उस पर लिखते हैं, फिर पेरेंट उस डायरी को देखते हैं, कुछ उन्होंने पूछना हो तो फिर उस पर लिख के भेजते हैं। इट कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ टाइम, ख़ासकर टीचर्स का, जिन्होंने हर क्लास में तकरीबन हर बच्चे की डायरी लिखनी होती है और फिर पेरेंट के जो कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस करना होता है। तो यूजिंग दिस फीचर ऑफ स्कूल मेंटोर मोबाइल ऐप, अब टीचर्स इंस्टेंटली होमवर्क डायरीज असाइन कर सकते हैं और ये फ़ौरन ही पेरेंट्स को डिलीवर हो जाएंगी। तो करना क्या है कि सिंपली टीचर नीड्स टू गो टू दी होमवर्क टैब, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो टैब्स हैं फर्दर, असाइन होमवर्क और व्यू होमवर्क। असाइन होमवर्क डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस डेट का होमवर्क असाइन करना है। ऑफ कोर्स प्रीवियस डेट्स में नहीं किया जा सकता, तो जो आज की डेट है 26 जनवरी, तो यहाँ पर वो ग्रेड्स अपीयर हो गए होंगे जिनमें ये टीचर कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है। और फिर सेक्शंस सेलेक्ट किए जा सकते हैं। व्यू डिटेल्स देखेंगे तो क्लास 4 में ये टीचर उर्दू और इस्लामियात पढ़ाता है। इसी तरह अगर क्लास 6 सेलेक्ट करेगा टीचर तो व्यू डिटेल्स पे जाएंगे तो दे विल बी आई विल नीड टू गो बैक एंड देन कम बैक। और अब क्लास 4 है, हाँ जस्ट हैंग ऑन ए सेकेंड, क्लास 6, हाँ जी क्लास 6 में ये टीचर इंग्लिश और साइंस पढ़ाता है। इसी तरह अगर क्लास 7 देखना है तो वो और सब्जेक्ट पढ़ाता होगा डिफरेंट, इंग्लिश और साइंस ही है। लेकिन एनीवे वी विल गो बैक एंड ये देख लेते हैं 7 में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश और साइंस ही है। तो हम क्लास 4 के का होमवर्क असाइन करना चाहते हैं। क्लास 4 का होमवर्क है उर्दू और इस्लामियात, तो कोई भी टाइटल टाइप किया जा सकता है। ऑफ कोर्स उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेट्स से कि टाइम बचाने के लिए हम सिर्फ एक लफ्ज़ टाइप करते हैं यहाँ पर, उर्दू। और इसी तरह नीचे भी लिखा जा सकता है, इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं। मे बी टीचर कैन से कि चैप्टर नंबर 4 रिवाइज करें, रिवाइज चैप्टर 4। जैसे ही असाइन होमवर्क पे जाएंगे एक छोटा सा पॉपअप खुलेगा, उसे यस करेंगे तो होमवर्क जो है ना दैट विल बी असाइंड और होमवर्क असाइंड। तो व्यू होमवर्क पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि किस क्लास का और किस डेट का होमवर्क व्यू करना है। तो टीचर कैन व्यू द डिटेल्स ऑफ द होमवर्क, उर्दू का असाइन किया था तो चेक हो सकता है। व्यू होमवर्क पे जाएंगे तो यहाँ पर उर्दू टाइटल था, डिटेल्स थी रिवाइज चैप्टर 4। अच्छा, यहाँ पर ये आ रहा है कि नो कमेंट एडेड, इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स ने इस होमवर्क पर अभी कोई भी कमेंट नहीं किया। तो जैसे ही पेरेंट्स को ये डिलीवर होता है होमवर्क डायरी, तो पेरेंट्स इस पर कमेंट्स कर सकते हैं। हम देखते हैं कोई पुरानी डेट्स में कोई होमवर्क अगर पड़ा है इस क्लास का, तो वी वांट टू चेक दैट कि शायद उसमें होमवर्क असाइंड हो और उस पर कमेंट्स भी हों। सो नहीं असाइन, टेंशन का चेक करते हैं। व्यू होमवर्क, इसमें भी होमवर्क है लेकिन कमेंट्स नहीं है। एनीवे पेरेंट्स के कमेंट्स इस डेडिकेटेड स्पेस में अपीयर हो जाते हैं और इन्हें किसी भी वक्त जो है ना वो चेक किया जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो कोई भी जो है ना वो दे सकते हैं होमवर्क का टाइटल। तो ये फीचर बड़ा यूज़फुल है और इसके ज़रिए टीचर्स दे कैन सेव टाइम, पेरेंट्स दे कैन सेव टाइम एंड कम्युनिकेशन गेट्स लॉट मोर ईजियर बिटवीन द पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम मज़ीद देखेंगे और क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं स्कूल मेंटोर मोबाइल ऐप के। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।